जो लोग तिलक कलावा बांधकर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो लोग सुधर जाए, क्योंकि देश का हिंदू अब जाग गया। ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे लव जिहाद के मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। किसने दिखाया ये ज्ञान का मार्ग? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एंट्री जितनी मर्जी वेटेड हो, बस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हमारे बनारस में एक कहावत है कि सांप की पूंछ से गाल नहीं खिंचवाते। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, एक नई पहचान देनी होगी। हम आपके लिए ना दुनिया का हर इम्तिहान पास करने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। कौन है वो लड़का? बबलू इकबाल शेख। मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, हमारे लोग मुझे काफिर समझ बैठेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया। दौरद ना उठी कलैया हमें, रानी मजा मिली रात के रजैया हमें, मजा मिली रात के रजैया हमें। अरे जब ले ये रानी जवानी बा, तब ले मन के मन मानी बा। खेला हुई तालाबा तलैया हमें, खेला हुई तालाबा तलैया हमें, रानी मजा मिली रात के रजैया हमें, मजा मिली रात के रजैया हमें। राजा मार ले बमाजा रजैया हमें, राजा मार ले बमाजा रजैया हमें। डीजे पे थोड़ा सा भरोसा रख, भरोसा रख। ये डीजे आज डीजे, ये डीजे आज डीजे सारे हिट गाने बजाएगा। और तुम जिसे प्यार समझ रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है, बस और कुछ नहीं है। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, और जिसने सनातन धर्म का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए, हिंदू समाज के लोगों के चेहरे पे काले पोत दिए हम। तुम अगर कमजोर पड़ गई ना तो लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। कमजोर नहीं पड़ेंगे देव, अब तो आदत सी पड़ चुकी है पंगा लेने की। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा, इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। तुमसे एक हिंदू लड़की नहीं मारी जाती। बस नो मोर कन्वर्शन।